हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम स्टैटिस्टिक्स में न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एंड चैप्टर है डिसीजन थियरी। अब पहले तो हम इस वर्ड की मीनिंग समझेंगे कि डिसीजन थियरी जो वर्ड है, इस वर्ड की मीनिंग क्या होती है। सो आइए पहले मैं एक लाइन रीड कर रहा हूँ एंड देन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। At various stages of life, a person has to take proper decision in small or big problem. आप अंडरलाइन कर दीजिए वर्ड प्रॉपर डिसीजन। हर एक पर्सन को लाइफ में कभी ना कभी एक प्रॉपर डिसीजन लेना पड़ता है। हम यहाँ पर डिसीजन थियरी चैप्टर को बिजनेस रिलेटेड भी समझेंगे कि बिजनेस रिलेटेड डिसीजन थियरी क्या होता है। आइए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, सपोज कीजिए कि आपके कॉलेज की कैंटीन है, ठीक है। नाउ कैंटीन में जो स्नैक्स बनाए जाते हैं, हो सकता है कि कभी वो पूरे के पूरे सेल हो जाएंगे, और ये भी हो सकता है कि कभी वो बच जाएंगे, और अगर वो बच गए तो नेक्स्ट डे सेल नहीं होंगे, लॉस हो जाएगा। नाउ सपोज करते हैं कि आपकी कैंटीन में कुछ भी मिल रहा हो, समोसा हो, पफ हो, जो एक दिन तक चल सकता है, ठीक है। जो बना रहा है उसका कॉस्ट है 10 रुपीस, बनाने का कॉस्ट है 10 रुपीस, और जब वो सेल कर रहा है तो सेल करता है 20 रुपीस में। इट मींस हम डिफरेंस देखेंगे तो प्रॉफिट हो जाएगा 10 रुपीस। प्रॉफिट हुआ 10 रुपीस। अब सपोज करते हैं कि उसने आज प्रोडक्शन किया 10 का, और सामने सेल या फिर डिमांड जिसे हम कहेंगे वो हो गई 10 की, यानी 10 यूनिट्स उसने बनाए और 10 यूनिट्स ही सेल हो गए। सो पर यूनिट 10 रुपीस का प्रॉफिट है, तो उसका प्रॉफिट हो जाएगा 100 रुपीस, ठीक है। ये प्रोडक्शन है, ये डिमांड है या सेल है, और प्रॉफिट। अब कई बार ऐसा होगा कि कॉलेज में स्टूडेंट्स कम आए होंगे, बारिश हो गई, बट उस बेचारे ने तो प्रोडक्शन करके रख दिया 10 यूनिट्स का, और उस दिन स्टूडेंट कम आने की वजह से जो सेल हुआ वो 8 यूनिट का ही हुआ। तो आप बताइए, आप मुझे कैलकुलेट करके बताइए कि उसे कितना प्रॉफिट हुआ होगा। उसने 10 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया, सपोज करो वो समोसा बना रहा है, कचौरी बना रहा है, पफ बना रहा है, उसने 10 बना दिए, और अब आज सिर्फ स्टूडेंट ही इतने आए कि उसके 8 यूनिट्स ही बिके, तो उसका प्रॉफिट कितना होगा। तो आप बोलोगे कि सर उसका प्रॉफिट हुआ 80 यूनिट सेल हुए, पर यूनिट रुपीस 10 प्रॉफिट हुआ, तो 80 रुपीस का प्रॉफिट हुआ। तो ऐसा नहीं होगा, प्रॉफिट हुआ 80 रुपीस का, क्योंकि 8 यूनिट सेल हो गए, पर यूनिट प्रॉफिट 10 रुपीस है, 80 रुपीस प्रॉफिट हुआ। लेकिन अनसोल्ड प्रोडक्शन 10 का किया, सेल 8 हुए, तो जो सेल नहीं हुए उसमें लॉस हो गया। कितने यूनिट सेल नहीं हुए, तो 2 यूनिट्स। उसने प्रोडक्शन किया था 10 का, प्रोडक्शन किया 10 का और सेल हुए 8 यूनिट्स। अब 8 यूनिट्स 8 पीस सेल हो गए, और प्रोडक्शन था 10 यूनिट्स का, तो 2 यूनिट्स बच गए। अब जो बच गए उसका कॉस्ट तो था ना, बनाने के लिए मटेरियल तो लगा था, सो उसका लॉस हुआ 2 × 10, 20 रुपीस लॉस हो गया, माइनस करेंगे। सो फाइनली
फाइनली 60 रुपीज़ का उसको नेट प्रॉफिट हुआ। अब कई बार ऐसा देखा गया है कि सीजनल इन स्नैक्स की डिमांड बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, या कई बार एक ऐसा भी देखा गया है कि ये जो सेल करने वाले हैं ये बनाकर रखते हैं लेकिन सडनली बारिश पड़ जाती है या और किसी रीज़न से उनका सेल नहीं हो पाता और उन्हें एक हैवी लॉस उठाना पड़ता है। सो ऐसे में हम डिसीजन कैसे ले पाए कि हमें 10 बनाने हैं या 8 बनाने हैं। अब तीसरा एक एग्जांपल देता हूँ। फर्स्ट एग्जांपल दिया 10 बनाए 10 सेल हो गए, दूसरा एग्जांपल दिया 10 बनाए तो 8 सेल हो गए, 2 बच गए, दुख होगा, लॉस हो रहा है, ठीक है। तीसरा एग्जांपल दे रहा हूँ कि उसने प्रोडक्शन तो 10 यूनिट्स का किया लेकिन सामने डिमांड जो थी 15 यूनिट्स की हो गई, यानी 10 यूनिट्स बनाए थे लेकिन जो कस्टमर आए वो 15 की डिमांड करने लगे। अब अगर ऐसी कंडीशन में 10 बनाए और 8 का डिमांड हुआ, 2 यूनिट्स बच गए तो भी दुख होता है, 10 बनाए और 15 की डिमांड आई, 5 कस्टमर वापस चले गए तो भी दुख होता है। क्यों कस्टमर वापस गया? सिंपल सी बात है, कस्टमर का वापस जाना भी अपने आप में एक लॉस होता है। सो ऐसे में कैसे डिसीजन लिया जाए कि हमें 10 यूनिट्स बनाने हैं, 8 बनाने चाहिए या 15 बनाने चाहिए, और प्रॉफिट कितना होगा, हमें इस बिजनेस में प्रॉफिट कितना होगा, हम वो भी कैलकुलेट करेंगे। सो होपफुली आप डिसीजन थियरी की मीनिंग तो समझ गए कि हमें ऐसे डिसीजंस लेने होते हैं, पेरिशेबल आइटम्स में खास करके ये ध्यान रखना होता है, ठीक है। सो आइए अब हम आगे बुक में देखते हैं। सो यहाँ पर आपको कुछ प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं। कौन से प्रिंसिपल्स हैं तो वो देखते हैं। तो ये है एक मैक्सी मिन प्रिंसिपल, मैक्सी मैक्स प्रिंसिपल, हुर्विच प्रिंसिपल एंड लैपलेस प्रिंसिपल। ये 4 अलग अलग प्रिंसिपल हैं जो अलग अलग मैथमेटिशियंस ने दिए हैं। वो जो मैथमेटिशियंस थे उनके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए वो उन्होंने बताया है। हम सम्स भी सॉल्व करेंगे और आगे भी देखेंगे। सो ये था हमारा आज इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने देखा कि डिसीजन थियरी की मीनिंग क्या होती है। नाउ आइए अब हम एक सम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे हमें सम सॉल्व करते हैं। सो ये डिसीजन थियरी में मैं एक्सरसाइज में आ गया, सेक्शन ए नहीं, सेक्शन बी भी नहीं, सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम। सो सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 6 आप नंबर्स देख लीजिए, हो सकता है यही क्वेश्चन आपके बुक में थोड़ा आगे पीछे दिया हो, या इस बुक में 6 नंबर है, आपके बुक में 5 दिया हो या 7 दिया हो सकता है। सो आप वैल्यूज देख लीजिए और उसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर लीजिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है डिटरमाइन द बेस्ट एक्ट फॉर द फॉलोइंग पे ऑफ मैट्रिक्स बाय अप्लाइंग मैक्सी मिन प्रिंसिपल, मैक्सी मैक्स प्रिंसिपल, हुर्विच प्रिंसिपल एंड लैपलेस प्रिंसिपल। अब जब भी यह हुर्विच प्रिंसिपल दिया होगा उसके साथ एक अल्फा की वैल्यू दी हुई होगी, ये जरूरी है। अभी आप जो बॉक्स देख रहे हो और बॉक्स में जो अलग अलग रोज एंड कॉलम्स बनाए हुए हैं, ये रोज एंड कॉलम्स जो होते हैं इसे कहते हैं मैट्रिक्स, इसे हम कहेंगे मैट्रिक्स, और इस मैट्रिक्स का पूरा चैप्टर है आपके कोर्स में। सो ये है मैट्रिक्स। हमें करना क्या है, हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है
एक एक्ट दिया हुआ है, दूसरा इवेंट दिया हुआ है। ये समझो हमारा सप्लाई है और ये समझ लो हमारा डिमांड है। सो आपको एक्ट एंड इवेंट दिए हुए हैं एज इट इज लिख देने हैं, जैसे आपको बुक में दिए हुए हैं। कुछ भी नहीं करना है, सेम टू सेम कॉपी करके रख देना है। अब कॉपी करने के बाद आपको सबसे पहले फर्स्ट क्या करना है, ये जो कॉलम है ना, इस कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है वो फाइंड आउट करनी है। तो माइनस 3, 5 एंड 10, तो मैक्सिमम वैल्यू है 10। देन 6, माइनस 2 एंड 7, तो मैक्सिमम वैल्यू होगी 7। 3, 4, माइनस 1, तो मैक्सिमम वैल्यू हो गई 4। एंड माइनस 2, 8 एंड 6, तो मैक्सिमम वैल्यू हो गई 8। सो सबसे पहले हमने मैक्सिमम वैल्यूज कैलकुलेट कर ली। नाउ देन हमें मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि ये जो कॉलम है, इस कॉलम में सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है। तो ये जो कॉलम है इसमें मिनिमम वैल्यू है माइनस 3, इसमें है माइनस 2, माइनस 1 एंड माइनस 2। इतना करने के बाद अब हमें समझना है कि मैक्सी मिन प्रिंसिपल क्या होता है। सो मैक्सी मिन प्रिंसिपल की मीनिंग होती है, इट मीन्स मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम मिनिमम रो। जो मिनिमम वैल्यू है, ये जो मिनिमम वाला रो है, ये जो नीचे वाला रो है, उस रो में मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। नाउ माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1 एंड माइनस 2। सो अगर मैं आपसे ऊपर वाली रो में मैक्सिमम वैल्यू पूछूं तो आप बोलोगे 10 है, 10, 7, 4, 8, तो मैक्सिमम 10। पॉजिटिव में 10 मैक्सिमम होता है, नेगेटिव में जितना छोटा वैल्यू होता है वो मैक्सिमम होता है। सो माइनस 1 इज द मैक्सिमम वैल्यू। हमें क्या चाहिए, मैक्सी मिन प्रिंसिपल। मैक्सी मिन का मतलब होता है कि जो मिनिमम रो है उस रो में मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, तो वो है माइनस 1। सो अकॉर्डिंग टू मैक्सी मिन प्रिंसिपल, अब ये माइनस 1 जो है वो A3 एक्ट में आती है, तो हम कहेंगे A3 शुड बी सिलेक्टेड। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर अकॉर्डिंग टू मैक्सी मिन प्रिंसिपल है। नाउ नेक्स्ट पेज पर हम देखेंगे, मैं आपको नोट डाउन करने के लिए सफिशिएंट टाइम दूंगा, पहले समझ लेते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पर देखेंगे मैक्सी मैक्स प्रिंसिपल। अब मैक्सी मैक्स प्रिंसिपल की मीनिंग क्या होती है, तो पहले मीनिंग समझ लेते हैं। इट मीन्स मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम मैक्सिमम रो। जो ये मैक्सिमम रो है ना, उसमें से मैक्सिमम वैल्यू निकाल देनी है। सो मैक्सिमम रो ये है, ओके और इस रो में मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 8, 4, 7, 10, तो ये 10 मैक्सिमम है। तो 10 कौन से एक्ट में आती है, A1 में, 10 वैल्यू A1 एक्ट में आती है। सो अकॉर्डिंग टू मैक्सी मैक्स प्रिंसिपल A1 शुड बी सिलेक्टेड। A1 कैसे आया, फिर से बता रहा हूँ, ये जो मैक्सिमम रो है उस मैक्सिमम में सबसे मैक्सिमम वैल्यू 10, 7, 4, 8, तो इन सब में मैक्सिमम है 10। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सी मैक्स प्रिंसिपल A1 शुड बी सिलेक्टेड। नाउ नेक्स्ट थर्ड है हुरविच प्रिंसिपल, जिसमें अल्फा दिया होता है। सो इस फिर प्रिंसिपल की फॉर्मूला है मैक्सिमम इनटू अल्फा प्लस मिनिमम इनटू 1 माइनस अल्फा। ये वैल्यू हमें रखनी है। अब जैसे कि हम A1 एक्ट ले रहे हैं, तो फॉर A1 एक्ट मैक्सिमम वैल्यू 10 है, आपको ये यहाँ से मिल जाएगी, इधर देखिए 10,
A1 एक्ट में मैक्सिमम वैल्यू 10 है, 10 इंटू अल्फा, अल्फा 0.4 है, प्लस मिनिमम, अब इसमें मिनिमम वैल्यू -3 है, सो यहाँ पर लिखेंगे मिनिमम वैल्यू -3, एंड अगर अल्फा की वैल्यू 0.4 है तो 1 माइनस अल्फा क्या होगा, सो 1 माइनस अल्फा मीन्स 1 माइनस 0.4, तो ये आंसर आ जाएगा 0.6, सो यहाँ पर लिखेंगे -3 इंटू 0.6, सो 0.4 इंटू 10 वैल्यू हो जाएगी 4, प्लस माइनस माइनस एंड 0.6 इंटू 3 1.8, तो आंसर आ जाएगा 2.2। जैसे हमने A1 एक्ट किया वैसे ही हमें A2 एक्ट करना है, सो सेम फॉर्मूला A2 एक्ट में लगाएंगे। तो A2 एक्ट में मैक्सिमम वैल्यू देखो कौन सी है, तो वो है 7 और मिनिमम -2, सो 7 मैक्सिमम वैल्यू 7 इंटू अल्फा 0.4 प्लस मिनिमम वैल्यू -2 इंटू 1 माइनस अल्फा 0.6, तो आंसर आ जाएगा 1.6। एंड सेम A3 एक्ट के लिए आंसर आएगा 1। एंड फाइनली A4 एक्ट करेंगे तो A4 एक्ट के लिए आंसर आया 2। अब ये जो हुर्विच प्रिंसिपल है इसमें हाईएस्ट आंसर हमें देखना है, तो A4 एक्ट के लिए है 2, देन 1, देन 1.6 एंड 2.2, सो हाईएस्ट वैल्यू 2.2 आई है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू हुर्विच प्रिंसिपल A1 शुड बी सिलेक्टेड, A1 शुड बी सिलेक्टेड, A1 हमारा सिलेक्शन होगा क्योंकि A1 हाईएस्ट है, A1 का वैल्यू 2.2 हाईएस्ट है। नाउ लास्ट अकॉर्डिंग टू लाप्लास प्रिंसिपल, अब यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर हमें हर एक एक्ट की एवरेज निकालनी है, 10, 5 एंड -3, सो यहाँ पर देखो मैंने लिखा है 10 प्लस 5 -3 डिवाइड बाय 3, सो 15 -3 12, 12 डिवाइड बाय 3, तो आंसर आ जाएगा 4। लैपलेस प्रिंसिपल में हम और कुछ भी नहीं करते हैं, सिर्फ एक सिंपल एवरेज निकालते हैं, आपको एवरेज निकालनी है। सेम हमने A1 के साथ A2, A3 एंड A4 एवरेज निकाली है। अब एवरेज के बाद हम देखेंगे कि हाईएस्ट आंसर किस में आ रहा है, सो हाईएस्ट एवरेज एक 4 A1 एक्ट में आ रही है और दूसरा 4 A4 एक्ट में आ रहा है, सो A1 एंड A4, तो आंसर में हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लैपलेस प्रिंसिपल A1 और A4 शुड बी सिलेक्टेड, अकॉर्डिंग टू लैपलेस प्रिंसिपल A1 और A4 शुड बी सिलेक्टेड। सो स्टूडेंट ये आज हमारा डिसीजन थियोरी का फर्स्ट लेक्चर था जिसमें हमने चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझा, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया एक एग्जाम्पल देकर, डिमांड और प्रोडक्शन के एग्जाम्पल से मैंने आपको एक्सप्लेन किया, आपको ये भी नोट डाउन करना है, सो अब आप नोट डाउन कर लीजिए, हर एक पेज में आपको दूंगा नोट डाउन करने के लिए, सो पहले ये फर्स्ट पेज है। और दूसरे स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि मेरे सारे लेक्चर्स YouTube पर या किसी भी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल नहीं होते हैं, अगर आपको मेरे सारे लेक्चर्स चाहिए तो वो आपको या तो इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए 9712342616, या फिर आप प्ले स्टोर पर जाकर मेरा ऐप डाउनलोड कर दीजिए अमर ट्यूशन क्लासेस, प्ले स्टोर पर आप सर्च करोगे अमर ट्यूशन क्लासेस, ये मेरा ऐप है, ये आप ऐप इंस्टॉल कर दीजिए अगर आपको पूरे लेक्चर्स चाहिए तो। सो नाउ नोट डाउन कर लीजिए, ये आपका फर्स्ट पेज है, नाउ ये सम है क्वेश्चन नंबर 6,
चैप्टर डिसीजन थियरी, ये इसका सेकंड पेज है। एंड देन ये इसका थर्ड पेज। सो ये लेक्चर मैं यहां पर ही पूरा कर रहा हूं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक और नए सम के साथ।